इफ यू इक्वल टू ई रेस्ट ओवर एक्स इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, वी हैव u equals to e raised over x into x cos y minus y sin y, right? तो करो इसको differentiate with respect, differentiate first partially with respect to x, क्या करें इसको x से differentiate करेंगे तो ये क्या जाएगा del u upon del x, clear? e raised over x इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, x की आएगी 1 इंटू कॉस वाई माइनस वाई, जब इसकी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सारा जीरो ही हो जाएगा ना क्योंकि ये वाई लगा हुआ है, फिर जहां पे क्या जाएगा प्लस x कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इंटू क्या आएगा e रेस्ट ऑफ x, ओके e रेस्ट ऑफ x कॉमन आया cos y plus x cos y minus y sin y, right? ये क्या मिल गया आपको del u upon, now again differentiate partially with respect to x, comma we get ये क्या आएगा del square u upon del x square, करो इसको e restore x वैसा ही रहा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड, सेकंड क्या है कॉस बाई क्या जाएगा जीरो क्योंकि कांस्टेंट है पार्शियली करें ना एक्स से बाई कांस्टेंट, यहां पे क्या जाएगा एक्स की आएगी ये वन और ये कॉस बाई रहा तो ये क्या रहा माइनस ये जीरो हो जाएगा, क्लियर? प्लस क्या आएगा कॉस बाई प्लस एक्स कॉस बाई माइनस वाई साइन वाई और ई रेस टू पावर एक्स आ गए यहां पे दोनों में से क्या करेंगे हम e raised over x को कॉमन निकालेंगे del square u upon del x square, जब e raised over x कॉमन निकाला पीछे क्या बच गया ये आया y cos, सॉरी cos y यहां पे भी प्लस cos y और ये क्या जाएगा x cos y और यहां पे माइनस वाई साइन वाई, क्लियर? कॉस वाई प्लस कॉस वाई क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्या आएगा ई रेस्ट ऑफ एक्स इंटू टू कॉस वाई प्लस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, इसको कौन से क्वेश्चन रखेंगे हम सेकेंड। नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, किससे डिफरेंशिएट करेंगे हम y से, तो क्या मिलेगा हमें ये e रेस्ट टू x कांस्टेंट है ये तो बिल्कुल वैसा वैसा ही रहेगा del u upon del y e रेस्ट टू x वैसे रहा अंदर डेरिवेटिव होगी dx का cos की क्या आती है माइनस sin y है ना, फिर ये क्या है इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा माइनस को रखो कॉमन y sin की क्या आती है cos y प्लस साइन बाई वैसा रहा तीन बाई की क्या आएगी वन, ओके इट मीन्स ये क्या आएगा डेल यू अपॉन सॉरी ये डेल वाई लिखा मैंने एक्स लिख दिया ये क्या आएगा डेल वाई ई रेस्ट टू एक्स जय माइनस एक्स साइन वाई जय माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई, क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट अगेन differentiate partially with respect to y comma we get, ठीक है तो ये क्या आएगा del square u upon del y square, ओके तो क्या मिलेगा हमें e raised to x constant है ये वैसे रहेगा लेकिन यहां पे क्या आएगा माइनस x वैसे रहा लेकिन sin derivative क्या आ जाएगी cos y, राइट? तो यहां पे क्या जाएगा माइनस कॉमन रखा प्रोडक्ट रूल लगेगा लगेगा यहां पे ये क्या आएगा वाई कॉस की आती है माइनस साइन वाई प्लस कॉस वाई वाई की क्या आ जाएगी वन, ओके
फिर साइन बाई की क्या आएगी, माइनस कॉस बाई। एनी क्वेश्चन? तो यहां पे क्या आ जाए, सब में से माइनस को कॉमन निकाला, जब माइनस को कॉमन निकाला पीछे क्या बच गया, माइनस ई रेस टू एक्स, ये क्या जगह एक्स कॉस वाई है ना। एनी क्वेश्चन? माइनस को कॉमन वाला, जब ये माइनस कॉमन निकल के पीछे गया प्लस, माइनस प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है ना, जे प्लस ही रहेगा प्लस कॉस वाई और जे भी प्लस कॉस वाई आ गया। क्वेश्चन? अब जहां पे क्या लेंगे हम, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस ई रेस्ट और एक्स, कॉस वाई प्लस कॉस वाई, टू कॉस वाई, और ये क्या आ जाएगा यहां पे हमारे पास प्लस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस वाई साइन वाई, माइनस वाई साइन वाई, ठीक है। देखो जे और जे एक जैसी आ रही है ना, सिर्फ क्या रहा है माइनस आ रहा है, क्या मैं इस पूरी की जगह पे सेकंड पुट कर दूं, जब मैं सेकंड पुट करूंगा यहां पे क्या आ जाएगा, ये तो आया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वालिटी में माइनस, जब जे माइनस बार है ई रेस्ट और एक्स इंटू टू कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है ना, इसकी जगह पे हम क्या जे डी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, समझ आया, यूजिंग स्टार सेकंड, नितिन समझ आया, अब हो जाएगा शुभ। तो यहाँ पे क्या, जब इसको उठा के यहाँ पे लाया तो क्या बन गया है, और नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया ना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। ओके समझ आया क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।